मंगलवार को भारत समेत दुनिया भर में लोग 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया। भारत में भी अलग अलग इस जगहों पर लोग योग करते दिखे। वहीं कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 4000 लोगों ने एक साथ योग किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न पार्कों में गंगा के किनारे अटल घाट आदि घाटों पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 4000 लोगों द्वारा योग किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित कर किया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। कानपुर महानगर के महापौर आदरणीय प्रमिला पांडे जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमान सुरेंद्र मेथानी, कानपुर के नोडल ऑफिसर श्री सुधीर गर्ग जी, कानपुर के मंडल आयुक्त श्री राजशेखर जी, जिलाधिकारी श्री विशाख जी जी, कि कहीं ना कहीं कुछ देशों से हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है, ये सत्य नहीं था। सौभाग्य से 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने UN में यह प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के ऊपर मनाया जाए। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति के उद्गम को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और आज पूरी दुनिया योग दिवस के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योगा कर रही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता होगी तो स्वस्थ रहेंगे। फिर उन्होंने कहा स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, तो स्वच्छता से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से समृद्धि की हो, एक जीवन को जोड़ने का जो एक मुख्य बिंदु है वो योग के माध्यम से हम अपने जीवन को मन चित्त आत्मा और शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मैं इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान भाइयों और बहनों को यहाँ पर देख के प्रफुल्लित हूँ। इसके पहले मैं दो स्थानों के ऊपर हुआ है। आज सवेरे 5 बजे से ही चारों तरफ एक उत्सव जैसा माहौल है और वो उत्सव यहाँ पर ग्रीन पार्क में हमारे जिले के अधिकारियों के द्वारा और विभिन्न हमारे नगर निगम विकास प्राधिकरण जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स कहे गए सबके संयुक्त प्रयास से यहाँ पर इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। इसके अवसर पर आज काफी एक वृद्ध स्तर पर आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 4000 लोग और जनपद के विभिन्न विकास खंडों में हर एक ग्राम पंचायत में हर एक सरकारी संस्थान में और शहर के अलग अलग आदमी भी आज आयोजन किया जा रहा है। योग दिवस की सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि योग एक दिनचर्या है, एक प्रैक्टिस है जिसको सब लोगों ने हेल्थी लाइफ स्टाइल दिया। सर कितने लोग थे यहाँ पे? लगभग 4000।